हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? गाइस गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है आज और मैं अमेरिका के छोटे से शहर न्यू जर्सी में हूँ अभी। तो गाइस, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ, मैं कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अमेरिका में। तो गाइस, मैं यूपी के एक छोटे से शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ। बिजनौर यूपी 20, उड़ा चावल का शहर यूपी 20 अपना बिजनौर। तो गाइस, मेरे मन में था, एक्चुअली मेरा दिल था मेरा आने का अमेरिका, कि मैं अमेरिका हूँ। इससे पहले मैं सऊदी में था, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार अमेरिका 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 से देखता था कि इंडिया इंडिया में दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ रात ही होती है, ऐसे इस तरह से मैं थोड़ा सा सोचता था। तो मेरे मन में था कि यार मुझे अमेरिका जाना है। मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मैं वॉच करता था, देखता था मैं वीडियो कि यार कैसे जाना चाहिए, कैसे 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 मैं जा सकता हूँ। तो मैंने एक यूट्यूबर से कांटेक्ट किया, उसने डायरेक्ट बोल दी कि आप मेरा कंसल्टेंसी जो मेरा कोर्स है यूट्यूब का, कि आप वो कोर्स मुझसे खरीद लो। तो कैसे आप कोर्स मेरा खरीदोगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। मतलब यार इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने पैसे चार्ज किए। नॉलेज उसे इतना नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है उसे यहाँ का। बस क्या है कि वो बात करती है कि हाँ पैसे लगाओ, अरे जितनी चीज़ें वो बता रही थी तो लोग वैसी फोकट में बता रही हो। तो मैंने चार्ज लिया उसका, मैंने कोर्स खरीद लिया, 60-70 हज़ार रुपये का कोर्स मैंने उसका ख़रीदा, लेकिन भाई मुझे कोई बेनिफिट उससे नहीं हुआ, नथिंग। तो इसलिए मैं आज आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप किसी भी ऐसी लड़की, ऐसे लड़कों या ऐसी किसी भी उसके साथ में आप अपना पैसा वेस्ट मत करना, कि जिससे आप लोगों को लगे कि यार मैंने पैसा फोकट में दिया है, मुझे पैसा नहीं देना चाहिए था ऐसे। तो चलो कोई नहीं, पैसा दिया, लेकिन उसको भी इतना ये नहीं था, जाने दो, मैंने पे कर दिया, उसको भी पता है कि मैंने पे किया हुआ है। तो गाइस, यहाँ आने के लिए बेसिकली एक अपना स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो। या तो यहाँ पे आप पढ़ाई के पर्पज़ से आ सकते हो, विजिट के पर्पज़ से आ सकते हो, और जॉब के पर्पज़ से आप यहाँ पे आ सकते हो। तो जॉब के लिए आपको वहीं से अप्लाई करना पड़ेगा H1B वीज़ा के लिए, लेकिन विजिट के लिए आप एनी टाइम आप विजिट के लिए आ सकते हो। यहाँ पे 6 मंथ की एंट्री आप लोगों को मिलेगी, लेकिन वीज़ा 10 साल का आपको मिलेगा, लेकिन उस पर सिर्फ आप घूम सकते हो। पढ़ाई के लिए अगर आप आते हो तो पढ़ाई आप कर सकते हो, और पढ़ाई के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो यहाँ पे। तो गाइस, मेरा कहने का यही है, मतलब कि आप लोग अगर अमेरिका आओ तो किसी ऐसे फर्जी लोगों के चक्कर में ना पड़ना जो कि आपसे पैसे की बात करे या जो आपसे पैसे मांगे, क्योंकि YouTube पे सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाती है आराम से। इसलिए तो आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ें, अपना पैसा किसी को भी वेस्ट नहीं करना है, और आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो। आप मेरे से कुछ भी अगर आपको पूछना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप मुझे पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है भाई। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, जो भी आप लोगों को मुझसे पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। और भाई ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे बनाने में दिक्कत हो रही है एक्चुअली, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, इसलिए थोड़ा हेजिटेशन सी भी हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखूँ और मैं अपनी बात बताऊँ आप लोगों से। देखो यहाँ पे कितने सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, और ये लोग भी एक
खेल रहे हैं। तो गाइस बस यही है कि आप लोगों को अगर कुछ भी यहाँ पे आने के लिए कोई भी अगर हेल्प चाहिए अमेरिका से रिलेटेड तो आप मेरे से एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो प्लीज़। कुछ भी आप मुझे कमेंट में अगर आप भेजोगे तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा ऑन द स्पॉट, या आप मुझे डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हो। नो चार्जेस, नो एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, सो यू कैन जस्ट सेंड मी मैसेज एनी टाइम। ओके गाइस, बाय बाय ऑल, थैंक यू।